कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत द्वितीय पाठ कक्षा शिष्टाचार। कक्षा के अंदर आचार्य जी और भैया बहनों की वार्तालाप। आज हम द्वितीय पाठ है संस्कृत विषय का, उसका अपना अध्ययन करेंगे। कक्षा शिष्टाचार कक्षा की बातचीत है। आचार्य है कक्षा परिवर्षंती सर्वे छात्रा उत्तिष्ठंती। आचार्य कक्षा मतलब कक्षा के अंदर परिवर्षंती मतलब प्रवेश करता है। सर्वे मतलब सभी, छात्रा मतलब बालक, उत्तिष्ठन्ति मतलब खड़े होते हैं, सभी बच्चे खड़े होते हैं। छात्रा छात्रा का मतलब होता है बच्चे। नमस्ते श्रीमान, नमस्ते का मतलब नमस्कार, श्रीमान का मतलब श्रीमान जी, नमस्कार श्रीमान जी। आचार्य है, आचार्य मतलब अध्यापक। नमस्ते उपविशन्तु, किम सर्वे छात्रा उपस्थिता सन्ति। नमस्ते का मतलब नमस्कार, उपविशन्तु का मतलब बैठिए, किम का मतलब क्या, सर्वे का मतलब सभी, छात्रा का मतलब बच्चे, उपस्थिता का मतलब उपस्थित, संति का मतलब है, संति अस्ति का बहुवचन है संति, यानी सभी बच्चे, क्या सभी बच्चे उपस्थित है। कक्षा प्रमुख है, कक्षा प्रमुख का मतलब कक्षा प्रमुख भैया। नैव श्रीमन, नैव का मतलब नहीं, श्रीमन का मतलब श्रीमान जी, नहीं श्रीमान जी। रमेश अनुपस्थित अस्थि, रमेश किसी भैया का नाम है, अनुपस्थित का मतलब अनुपस्थित, अस्थि का मतलब है, रमेश अनुपस्थित है। आचार्य कारणम किम, कारणम का मतलब कारण, किम का मतलब क्या, क्या कारण। कक्षा प्रमुख तस्य गृहे अद्य सत्यनारायण पूजा अस्ति। तस्य मतलब उसके, गृहे मतलब घर पर, अद्य मतलब आज, सत्यनारायण पूजा यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा अस्ति का मतलब है, उसके घर पर आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है। आचार्य भवतु नाम, ठीक है, भवतु नाम का मतलब होता है ठीक है। इदानी उपस्थिति भवति, इस समय उपस्थिति का है, यह समय उपस्थिति का है। इदानी का मतलब होता है इस समय, यह समय उपस्थिति का है। अहम क्रम से एकैकस्य छात्रा नाम वदामि, अहम का मतलब मैं, क्रम से मतलब क्रम से, एकैकस्य का मतलब एक एक, छात्रस्य मतलब छात्र का, नाम वदामि का मतलब बोलता हूँ। सह उपस्थितोऽस्मि श्रीमन् इति वदतु विनोद। सह का मतलब वह, उपस्थितोऽस्मि मतलब उपस्थित हूँ, श्रीमन् का मतलब श्रीमान, इति वदतु का मतलब यह बोलेंगे, वदतु का मतलब होता बोलना। विनोद, पहले विनोद भैया का नाम बोलते आचार्य जी, विनोद उपस्थितोऽस्मि श्रीमन्, विनोद कहता है उपस्थित हूँ श्रीमान जी। आचार्य बोलता है विशाल, विशाल किसी भैया का नाम है, फिर डोट डोट करके प्रश्न आचार्य जी ने बोला, आचार्य जी विशाल बोल करके रुकते हैं। सर्वे मौनम उपविशन्ति, सर्वे का मतलब सभी, मौनम का मतलब मौन या चुप, उपविशन्ति मतलब बैठे रह गए। विशाल नास्ति किम, विशाल नास्ति का मतलब नहीं, किम का मतलब क्या, विशाल नहीं है क्या। विशाल श्रीमन किम अहम अंत परिवेशानी, विशाल कहता है श्रीमन श्रीमान जी, किम का मतलब क्या, अहम का मतलब मैं, अंत का मतलब अंदर, परिवेशानी का मतलब प्रवेश करूं क्या। विशाल गेट पर से पूछता है क्या मैं अंदर प्रवेश करूं क्या। आचार्य अहो विशाल आगच्छतु, किमर्थम विलंब, अहो का मतलब अरे, विशाल आगच्छतु का मतलब आ गए क्या, किमर्थम किस लिए, विलंब का मतलब देरी, अहो अरे विशाल आ गए क्या, देरी किस लिए हुई। विशाल ग्रहे भोजने विलंब अभवत, ग्रहे मतलब घर पर, भोजने का मतलब भोजन, विलंब का मतलब देरी, अभवत का मतलब हो गई, घर पर भोजन में देरी हो गई। आचार्य एतत् न उचितम, एतत् का मतलब यह, न का मतलब नहीं, उचितम का मतलब उचित सही, यह उचित नहीं है। विशाल क्षम्यताम श्रीमन, इतः परम विलंब न भविष्यति, क्षमा श्रीमान जी, इतः मतलब दोबारे, परम का मतलब विलंब, नहीं न का मतलब नहीं, भविष्यति मतलब होगी, दोबारे ऐसे विलंब नहीं होगा। आचार्य अस्तु संस्कृत पुस्तकम स्वीकृतु, अद्य वयम चतुरस्य सस्य कथां पठाम। अस्तु का मतलब ठीक है,
संस्कृतम पुस्तकम का मतलब संस्कृत की किताब, स्वीकृत मंतु मतलब लीजिए, अद्य मतलब आज, वयम का मतलब हम सब, चतुरस्य का मतलब चतुर, सस्य मतलब खरगोश, कथाम के मतलब कहानी, पठाम का मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, संस्कृत की किताब लीजिए, आज हम चतुर खरगोश की कथा पढ़ेंगे। श्रीमान, रवि कहता है श्रीमान प्रमोद तुदति, रवि कहता है श्रीमान का मतलब श्रीमान जी, प्रमोद का मतलब प्रमोद किसी भैया का नाम है, तुदति का मतलब परेशान करता है, श्रीमान जी प्रमोद परेशान करता है। आचार्य कोपेन, कोपेन का मतलब होता है क्रोध से, प्रमोद नय तुद, प्रमोद बदमाशी, तुद का मतलब होता है परेशान नहीं करना या बदमाशी नहीं करना। भवान बहु चपल, भवान का मतलब आप, बहु का मतलब बहुत, चपल का मतलब नटखट, आप बहुत नटखट हैं। प्रमोद कहता है क्षम्यताम श्रीमन, क्षमा कीजिए श्रीमान जी, पुनः न क्रोमी, पुनः का मतलब दोबारा, न का मतलब नहीं, क्रोमी का मतलब करूंगा, क्षमा कीजिए श्रीमान जी दोबारा नहीं करूंगा। आचार्य एक वनम अस्ति तत्र एक घंटा नाद भवति, एकम का मतलब एक, वनम का मतलब जंगल, अस्ति का मतलब है, तत्र का मतलब वहां, एक का मतलब एक, घंटा नाद भवति, घंटी लगने की आवाज आती है, घंटा नाद अभवत, घंटा कारांश लग गया है। स्व पाठस्य अनुवर्तनम करिष्यामि, स्व का मतलब कल, पाठस्य मतलब पाठ का, अनुवर्तन का मतलब दोहरान, करिष्यामि मतलब करेंगे। छात्रा धन्यवाद श्रीमन, धन्यवाद श्रीमान जी। आचार्य स्वागतम, स्वागत है। इस प्रकार से यह संस्कृत का दूसरा पाठ कक्षा चतुर्थी का है। मैंने कुछ शब्दार्थ दिए हैं, ये शब्दार्थ आप सब लिखिए और इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए।